हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक और क्रीमी रिच रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, मलाई कोफ्ता, जिसके लिए हम ना तो मार्केट से कोई पनीर लाकर यूज़ करेंगे, ना ही खोवा की ज़रूरत है, ना ब्रेड क्रम्स, ना ही मैदा। बिल्कुल उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे जो आसानी से हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध और आधा नींबू, इससे हम बनाएंगे पनीर। उसके अलावा दो उबले हुए आलू, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, ये है कोफ्ता के लिए। उसके अलावा हरा धनिया और कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, ये भी कोफ्ता के लिए। और ग्रेवी के लिए हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तेल है, नमक है और बटर। बटर की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कटोरी फ्रेश क्रीम है, जो हम लोग दूध के ऊपर से मलाई कलेक्ट करते हैं वो। और ये है बारीक कटा प्याज, दो बड़ा प्याज है, दो टमाटर है, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, कुछ सूखे मसाले हैं और ये है मगज और काजू। आप दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी को थिक करने के लिए। सबसे पहले हम बनाते हैं पनीर। उसके लिए मैंने आधा लीटर दूध एक बर्तन में डाला है। दूध जैसे ही बॉईल आया उसके बाद मैंने इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाया है। उसके बाद गैस का फ्लेम स्लो करके इसमें मैं डालूंगी नींबू। अभी मैंने इसे अराउंड 2-3 मिनट तक पकाया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू। नींबू की जगह आप सिरका, विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग नींबू दूध फाड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अभी मैंने नींबू डाल दिया है। नींबू डाल के इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी, तो 1 मिनट बाद दूध ऑटोमेटिकली फट जाएगा। अब आप देख सकते हैं दूध फटना स्टार्ट हो गया है। दूध फट गया मतलब हमारा पनीर बनके रेडी है। यहाँ पे मैं घर में पनीर बना रही हूँ, आप चाहो तो मार्केट वाला पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से पनीर यूज़ कर रहे हैं तो आप 150 ग्राम या खिसने के बाद 1 कटोरी उतना पनीर आपको यूज़ करना है। अब मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसके नीचे छन्नी रखा है। अब मैं ये फटा हुआ दूध, मीन्स जो हमने पनीर बनाया, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। डालने के बाद इसके ऊपर नॉर्मल पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाए और थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाएगा। तो अभी मैंने इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद स्पून से दबा के मैं इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल रही हूँ। उसके बाद इसे मैं अच्छे से दबा के इसका थोड़ा पानी निकालूंगी और इसी तरीके से मैं इसे छन्नी में ही छोड़ दूंगी, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अभी मैंने रखा एक पैन, उसमें मैंने डाला अराउंड 2 टीस्पून जितना ऑयल। अभी हमें ऑयल कम लगेगा, उसके बाद हम और यूज़ करेंगे। अभी मैंने डाला है तेज़पत्ता और सूखे मसाले। सूखे मसालों में दालचीनी है, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और जावित्री। थोड़ा मिक्स करके अभी मैंने इसमें डाला है 2 बड़े साइज़ के प्याज। डालकर थोड़ा मिक्स करके अभी मैंने डाला है हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। काजू अराउंड 9-10 है और ये है मगज़ के बीज, ये 2 टेबलस्पून जितना है। आप चाहो तो सिर्फ काजू या सिर्फ मगज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा भुनने के बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर। टमाटर डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर और सारी चीज़ें जल्दी पक जाएगी। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाएगा और सारी चीज़ें पक नहीं जाएगी। अराउंड 4 मिनट बाद सारी चीज़ें अच्छे से पक गई है, टमाटर भी एकदम नरम हो गया। अभी मैं ढक के गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूंगी। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया, इसमें जितने भी खड़े मसाले हैं मैं उनको अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि इनका फ्लेवर उसमें आ चुका है। अभी मैं इसको डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको एकदम चिकना ग्राइंड करूँगी। हमें इसे एकदम चिकना ग्राइंड करना है। अब यह है पनीर। पनीर एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं इसे खिस लूँगी। और ये है आलू। आलू को भी हमें अच्छे से खिसना है, हाथ से मैश नहीं करना है, अदरवाइज़ जो कोफ्ता है वो फ्राई करते समय फट जाएगा, इसलिए इस तरीके से अच्छे से खिसना है। अभी मैंने आलू को खिस लिया है, मैंने पनीर को भी खिस लिया है। अब हम सारी चीज़ें एक प्लेट में डाल देंगे। और मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया को चॉप कर लिया और अदरक को मैंने खिस लिया। आप चाहो तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट अदरक को स्किप नहीं करना है। और हरी मिर्च की जगह आप यहाँ पर मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये है कॉर्नफ्लोर। मैं बाकी इंग्रेडिएंट दिखाते समय इसे दिखाना भूल गई थी, तो ये है 2 टीस्पून। इसकी जगह आप चाहो तो मैदा भी ऐड कर सकते हो या गेहूं का आटा भी। उसके अलावा ये है 1/2 टीस्पून नमक। डालकर अब हम सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम लोग
चपाती के लिए आटा गूंथते उसी तरीके से एकदम इसको सॉफ्ट। और हमें ये ध्यान रखना है आलू को एकदम अच्छे से खींचना है, अदरवाइज़ वो फ्राई करते समय फट जाएगा। अभी मैंने इसको एकदम अच्छे से सॉफ्ट डो बना लिया, इसका आटा बना लिया है। अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी एकदम अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, पहले हम इसको इस तरीके से चपटा करेंगे, देन इसके अंदर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता, काजू, किशमिश और बादाम का यूज़ किया। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं या जो अवेलेबल है वो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बिना ड्राई फ्रूट के भी कोफ्ता अच्छा ही लगता है, बट अगर हम लोग इसके अंदर इस तरीके से ड्राई फ्रूट फील करेंगे, भरेंगे, तो इसमें एक शाही लुक आएगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में इस कोफ्ते को इस तरीके से रोल कर रही हूँ ताकि फ्राई करते समय ये फटे नहीं। अब आप चाहो तो कोफ्ते को इस तरीके से राउंड शेप भी दे सकते हो या लंबा, तो इस बार मैं कोफ्ते इस तरीके से थोड़े लंबे बना रही हूँ। आपको जो शेप पसंद है उस शेप के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और कोफ्ते को बना के आधे घंटे के लिए अगर हम लोग फ्रिज में रखेंगे तो कोफ्ते बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे और फ्राई करते समय फटेंगे नहीं। अब इसी तरीके से मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अभी मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, तेल मीडियम हाई है, इसमें मैं सारे कोफ्ते डाल रही हूँ। डालकर मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें पलटते हुए क्रिस्पी होते तक, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करना है। ये कोफ्ते ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से माउथ मेल्टिंग, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। अब कोफ्ते फ्राई हो गए और कोफ्ते को हमें ओवर फ्राई, मतलब बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ इस तरीके से फट जाएंगे। अब कोफ्ते हो गए हैं, मैंने निकाल रही हूँ। निकाल के इसी तरीके से हम बाकी सारे कोफ्ते को फ्राई करेंगे और इसे आप एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में से बाकी तेल निकाल लिया है, सिर्फ 2 टीस्पून जितना ऑयल रखा है। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जितना बटर डाल रही हूँ। डालकर 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे गैस का फ्लेम स्लो है, अगर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे और अगर मसाले जल गए तो टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। अब मैंने इनको अच्छे से भून लिया। अब जो हमने ग्राइंड करके रख दिया है प्याज और टमाटर, ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट, इसको मैं छन्नी में डाल के इस तरीके से छान रही हूँ। आप चाहो तो बिना छाने भी डाल सकते हो, बट मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ इसलिए मैं छान रही हूँ। अब इसे छान के ये जो है इसको हम हटा देते हैं, इसको आप किसी और सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैंने छान लिया है। छानने के बाद अब इसे हम लोग अच्छे से 2-3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। ये दूध के ऊपर से जो मलाई निकालते हैं वो है, ये 1 कटोरी है। ज़रूरी नहीं है आप 1 कटोरी ही डालो, अगर आपके पास आधी कटोरी है तो आप उतना भी डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा रही हूँ और बाकी मैंने पूरा मलाई इसमें डाल दिया है। डालकर अब इसको हम और 2-3 मिनट तक पकाएंगे। सारी चीज़ें पहले से पकी हुई है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैंने इसे और 2-3 मिनट तक पकाया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी यहाँ पर मैं 1 कप डाल रही हूँ। आपको ग्रेवी जैसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डाल के ढक के मैं से और 2-3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकड़े रख दूंगी। अब 3 मिनट बाद ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। अब हल्का मिक्स किया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी। इसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी डाला है जो कि बाय मिस्टेकली स्किप हो गया, तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब मैं इसे और 2-3 मिनट तक पका रही हूँ। 3 मिनट बाद ग्रेवी एकदम अच्छे से पक गई है, लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है और ऊपर से तेल भी छूट रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला। डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे अभी हमें कोफ्ते नहीं डालना है। अगर हम लोग अभी कोफ्ते डालेंगे तो वो एकदम नरम हो जाएंगे। कोफ्ते हमें उसी टाइम डालना है जब हमें सर्व करना हो। अभी मैंने डाला है बारीक कटा हरा धनिया और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये ग्रेवी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। अभी ये नॉर्मल है, ज़्यादा गर्म नहीं है, फिर भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो कंसिस्टेंसी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। उसके बाद मैं इस पे रख रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते हमें तभी रखना है जब हमें सर्व करना है, अदरवाइज़ ये नरम हो जाएंगे। अभी मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम और बारीक कटा हरा धनिया। अब आप भी ये मलाई कोफ्ता ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।